ऑल इन डिलीशियस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जल्दी से बना लेते हैं हम विंटर स्पेशल चाय का मसाला। ये 3 से 4 महीने स्टोर भी किया जा सकता है और उसको हम बनाएंगे गुड़ की चाय के साथ। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है गुड़ की चाय हमारी फट जाती है, लेकिन सर्दियों में गुड़ की चाय हेल्दी भी रहती है, तो बिना फटे नहीं फटेगी आपकी गुड़ की चाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं गुड़ की चाय और चाय का मसाला। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 चम्मच सौंफ, इसको मैंने साफ़ करके ले लिया है, और 2 चम्मच मैं यहाँ ले रही हूँ इलायची, हरी इलायची जो होती है वो, और 1 चम्मच यहाँ लूँगी मैं लौंग। ये चाय का मसाला बनने के लिए सामग्री है। और 1 चम्मच ही हमें यहाँ ले लेना है काली मिर्च। इन सब सामग्री में हम ऐड करेंगे ये ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ ले लिए हमने। और अभी हम ऐड करेंगे इसमें दालचीनी, ये 3 नोज मतलब 3 टुकड़े हमने दालचीनी के ले लिए हैं। अभी हम ऐड करेंगे इसमें 1 नटमग यानी कि जायफल, इसको हमें आधा लेना है। अभी हम इसमें 1 रख लेते हैं। तो अभी यहाँ हम ले रहे हैं 1 बड़ी इलायची यानी कि डोड़ा बोलते हैं, काली इलायची बोलते हैं इसको। और यहाँ थोड़े से हम लेंगे तुलसी के सीड्स यानी कि तुलसी की जो मंजरी होती है ना ऊपर की वो, क्योंकि हम यहाँ तुलसी के पत्ते ऐड नहीं कर सकते, ये हमें ड्राई बनाना है पाउडर चाय का। और यहाँ एक ले रहे हैं मुलेठी, मुलेठी गले को ठीक रखती है और सर्दियों में भी फ़ायदेमंद रहती है। तो ये सारे मसाले हम यूज़ करेंगे। और ये जो सौंठ है, जायफल है, मुलेठी है और ये दालचीनी है ना, इनको थोड़ा थोड़ा हम इनको कूट लेंगे, उसके बाद ही हम मिक्सिंग जार में इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, और हल्का सा हमें इनको रोस्ट करना है 2-3 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। बस हल्की सी इनकी अरोमा आने लग जाए, ताकि इनका जो इनके अंदर नमी होती है ना वो भी निकल जाएगी। जब नमी नहीं रहेगी तो जो हमारा चाय का मसाला है जो बन के तैयार होगा वो हम कई महीनों तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मसाले हमने भून लिए हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अभी इसमें से जो जायफल है उसको निकाल लेते हैं, और ये जो सौंठ के टुकड़े हैं ना उसको निकाल लेते हैं। इनको हमें जो अदरक कूटने का होता है उसमें हल्का सा कूट लेना है, क्योंकि मिक्सिंग जार में हम डालेंगे तो वो डैमेज हो सकता है। तो इसमें हम एक मिक्सिंग जार में सारे मसालों को ऐड कर लेते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे सौंठ। ये जायफल है इसको डाल देते हैं पहले, ये मैंने कूट के ले लिया है थोड़ा सा। और ये देखिए सौंठ को भी मैंने हल्का सा कूट के ले लिया है ताकि मसाला बनाने में आसानी रहे। और ये मैंने मुलेठी को भी इसी तरह से कूट के ले लिया है। और यहाँ पर जो हमने तुलसी के सीड लिए थे उनको इस तरह से निकाल के और जार में ऐड कर देना है, डंठल को यूज़ नहीं करना है, इनको फेंक देना है। तो अभी इस मसाले को हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। चलिए मसाला पीस लेते हैं, और इसको हमें फाइन पाउडर ही पीसना है, और अच्छी तरह से पीस जाएगा तो हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने मसाले को पीस लिया है, अभी एक प्लेट में हम इसको निकालते हैं और दिखाते हैं कि कितना अच्छा मसाला पीस के तैयार हुआ है। एकदम से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है मसाले के अंदर। और इस तरह का देखिए पाउडर हमने इसको तैयार किया है। जब भी आपका चाय पीने का मन करे फटाफट से ही मसाला डालिए, और एकदम से परफेक्ट चाय आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी है मसाला बनाना चाय का। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर को धो के पोंछ के सुखा के ले लिया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे इस मसाले को, और याद रहे कि कंटेनर को साफ़ सुथरा ही लेना है। और जब भी हम इसमें मसाला ऐड करें उसके बाद इसकी लिड को टाइट लगा के रख देना है, ताकि मसाले के अंदर नमी नहीं पहुंचे और हमारा मसाला काफ़ी दिन तक चले। इसकी खुशबू भी अच्छी रहती है अगर एयर टाइट कंटेनर में हम मसाले को भर के रखते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला चाय का तैयार है। तो देखा ना कितना ईजीली हम चाय का मसाला घर पर ही तैयार कर सकते हैं, और एकदम से ठंडियों में पी जाने वाली कड़क चाय मिनटों में हम रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक चाय भी बना लेते हैं
तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ गुड़ की चाय। बहुत सी लोगों को कंप्लेन होती है गुड़ की चाय हमारी फट जाती है, तो आज उस कंप्लेन को भी हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक कप पानी लिया है, इसको बॉयल होने देते हैं और एक चम्मच हम यहाँ डालेंगे चाय की पत्ती। और हाँ, हमने जो मसाला तैयार किया है ना चाय का, हम उसको ही यूज़ करने वाले हैं, और कोई मसाला अदरक हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच अभी जो हमने मसाला तैयार किया है ना उसको ऐड कर देते हैं और चाय को अच्छी तरह से बॉयल होने देते हैं। कलर चेंज हो गया है पत्ती का, अभी हम एक कप इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कोई पतली चाय पीना पसंद करता है, कोई गाढ़ी चाय पीना पसंद करता है। और गुड़ की जो चाय बनती है हल्की सी पतली ही अच्छी लगती है, तो मैंने बराबर मात्रा में दूध और पानी लिया था। तो अभी चाय बॉयल हो चुकी है, अच्छे से खोला लेना है चाय को, अच्छे से बॉयल कर लेना है। और अभी हम फ्लेम को थोड़ी देर में कर देंगे बंद। ये देखिए फ्लेम को बंद कर दिया, अब हम यहाँ पर गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हमें बॉयल होती हुई चाय में, खोलती हुई चाय में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, डेफिनेटली वो फट जाएगी। बिल्कुल चाय को पहले पका लें अच्छी तरह से, फिर गुड़ ऐड करना है, तो हमारी चाय कभी नहीं फटेगी गुड़ वाली, और सर्दियों के लिए परफेक्ट है चाय। तो लीजिए चाय का मसाला और परफेक्ट गुड़ वाली चाय बनके तैयार है। इन सर्दियों में आप इसको ज़रूर पीजिए, मसाले को ज़रूर बनाइए और यूज़ कीजिए, बहुत ही परफेक्ट मसाला तैयार है। और हाँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं और गुड़ की चाय का भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखा, एक ही वीडियो में हमने झटपट से दो रेसिपी बना के तैयार की हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चाय की रेसिपीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें, मैंने वहाँ पर वीडियोज़ की लिंक शेयर की है। तो इस तरह से लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।